आइए रुक करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट्स की ओर। मोहाली टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम पहली पारी 201 रनों पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने सबसे ज्यादा 75 रनों की बेशकीमती पारी खेली। विजय के अलावा टीम का कोई भी बल्लेबाज अफ्रीका के गेंदबाजों का सामना नहीं कर सका। जवाब में दक्षिण अफ्रीका टीम ने अपनी पहली पारी में खेल खत्म होने तक 2 विकेट खोकर 28 रन बनाए हैं। श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे मैच में 8 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा जमाया। कोलंबो में खेले जाने वाले इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन इंडीज टीम 50 ओवरों में 214 रन ही बना पाई। सलामी बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स ने सबसे अधिक 83 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम ने कुशल परेरा की 99 रनों की शानदार पारी की बदौलत लक्ष्य 36 ओवर में ही पा लिया। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर 390 रन बनाकर मैच में अपनी पकड़ बना ली है। कंगारू ओपनर डेविड वार्नर की धमाकेदार 163 रनों की पारी के बाद मध्यम क्रम बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने भी टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ा। ख्वाजा ने नाबाद 102 रन बनाए। कप्तान स्टीवन स्मिथ भी 41 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे। दक्षिण अफ्रीकी टेस्ट टीम के कप्तान हाशिम अमला भारतीय स्पिन आक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अमला ने बुधवार को कहा, हमें पता है भारतीय पिचों में स्पिनर्स के लिए मद होती है। भारतीय स्पिनरों के सामने खेलना हमेशा कठिन साबित होता है, लेकिन अफ्रीकी टीम इसके लिए पूरी तरह तैयार है।